नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे हिंदी चैनल डिज़ाइन डेकोर एंड दिशा पर। और मेरे इंग्लिश चैनल दिशा मिश्रा दुबे को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक कर सकते हैं या इस बैनर को क्लिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो जैसे कि आप में से कई लोग जानते होंगे, मैं अपने इंग्लिश चैनल पर भारत की जो पारंपरिक और बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं, ट्रेडिशनल पेंटिंग्स और फोक पेंटिंग्स अलग अलग स्टेट से, मैं उनके बारे में जितना भी मुझे जानकारी है वो मैं शेयर करती हूँ, उनके ट्यूटोरियल्स बताती हूँ। तो उनमें से जो मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स बताए थे, आप लोग कंफ्यूज हो गए गोंड और मधुबनी में। तो इस वीडियो में मैं उसी कंफ्यूजन को दूर करूँगी, क्योंकि आप में से कई लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि प्लीज़ आप एक वीडियो बनाइए जिसमें आप बताइए कि मधुबनी और गोंड को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो आज का वीडियो इसी बारे में है। तो मैं आपको स्टेप वाइज सारे डिफरेंस बताऊंगी गोंड और मधुबनी में। शुरुआत करते हैं ओरिजिन से। ये है गोंड पेंटिंग। इसका ओरिजिन हुआ था मध्य प्रदेश में। और ये जो गोंड पेंटिंग है वो ट्राइबल आर्ट फॉर्म है। ये भारत की सबसे बड़ी जो ट्राइब है, गोंड ट्राइब, वो इसे बनाती है। तो इसका ओरिजिन मध्य प्रदेश है और ये गोंड ट्राइब द्वारा बनाई जाने वाली पेंटिंग्स हैं। ये है मधुबनी। मधुबनी का ओरिजिन हुआ है बिहार में। इन्हें मिथिला पेंटिंग्स भी कहा जाता है। तो बिहार के जो मिथिला रीजन में इनका ओरिजिन हुआ था और ये भी कई साल पुरानी पेंटिंग्स हैं। ऐसा कहा जाता है कि रामायण में जब सीता जी का विवाह राम भगवान से होने वाला था, तो राजा जनक ने कई सारे आर्टिस्ट को कमीशन किया था और कहा था कि आप सारे नगर को मधुबनी पेंटिंग से पेंट करते हैं। तो इसका विवरण तब रामायण के समय से हमें मिल रहा है, मतलब ये काफ़ी पुरानी है। इसी तरह से गोंड भी बहुत पुरानी पेंटिंग्स होती हैं। तो ये बात हुई ओरिजिन की। अब मैं बता देती हूँ इनका थीम। तो गोंड पेंटिंग्स का जो थीम है वो मेनली नेचर से इंस्पायर्ड होता है। इसमें आपको बस फ्लोरा फौना, मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु ही देखने को मिलेंगे गोंड पेंटिंग में। और इसके अलावा ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि आपको कोई गॉड या गॉडेसेस के फिगर्स मिलें या कोई ह्यूमन फिगर मिलें। ऐसा बहुत रेयर होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत होते हैं कई पेंटिंग्स में आपको देखने को मिलेंगे, पर लेकिन ये मेन नहीं होते। मेन फिगर्स जो होते हैं वो एनिमल फिगर्स होते हैं, जैसे कि हिरण, हाथी, मोर, पशु पक्षी, जो भी पशु पक्षी हैं वो आपको इसमें गोंड पेंटिंग्स में देखने को मिलेंगे और पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग की। तो मधुबनी पेंटिंग जो होती है इसमें ना ही सिर्फ जीव जंतु और पेड़ पौधे, बल्कि आपको ह्यूमन फिगर्स और गॉड गॉडेसेस के फिगर्स भी देखने को मिलेंगे। इसमें आपको सेलिब्रेशंस जो होते हैं उनका विवरण मिलेगा, उसके सीन होंगे, जैसे कि राम सीता के विवाह का, उनकी शादी का आपको मिलेगा पिक्चर देखने को, या कृष्ण और राधा गोपियों के साथ रासलीला करते हुए, वो उस तरह की आपको पिक्चर्स मिलेंगी। तो मधुबनी पेंटिंग्स में कई सारे आपको फिगर्स देखने को मिलते हैं। तो ये बात हुई थीम की। अब बात करते हैं इसके स्टाइल की। सबसे खास बात जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि एक फिगर है वही एक्सटेंड होकर दूसरा फिगर भी फॉर्म कर सकता है। जैसे कि अगर ट्री है तो ट्री की रूट्स का जब एक्सटेंशन होगा तो उसी से फिशेस को बना दिया जाता है या स्नेक्स को बना दिया जाता है, या अगर हिरण है तो हिरण के जो सींग होते हैं उन्हीं से ट्री बन जाता है, ट्री फॉर्म ले लेता है। तो इसी तरह से इसमें एक ही फिगर से कई सारे फॉर्म्स जो हैं वो बन जाते हैं, ये इसकी खासियत है। और दूसरी बात कि इसमें सिर्फ दो ही तरह के पैटर्न्स होते हैं जिनसे पूरा फिगर को जो है फिल किया जाता है। एक होती है लाइन और दूसरा होता है डॉट्स, इसीलिए इनको लाइंस एंड डॉट्स वाली पेंटिंग भी कहा जाता है। बहुत आसान होती हैं गोंड पेंटिंग्स, प्लस इनको वाइब्रेंट कलर्स में फिल किया जाता है। जो फिगर्स होते हैं उनको फिल करने के लिए काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स यूज़ किए जाते हैं। एक ही फिगर को कई रंगों में फिल किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और ऐसा बहुत बहुत रेयर होता है कि इसमें आपको लाइंस एंड डॉट्स के अलावा कोई और भी पैटर्न देखने को मिले, जैसे कि फिश स्केल जो होता है वो कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है। इसकी जो आउटलाइन होती है वो सिंगल आउटलाइन होती है और बैकग्राउंड जो होता है वो हमेशा प्लेन होता है।
वाइट होता है या कोई भी प्लेन बस सॉलिड कलर होगा, लेकिन इसको फिल नहीं किया जाता है। बैकग्राउंड हमेशा इसमें एम्प्टी होता है और इसमें आप काफ़ी सारी एम्प्टी स्पेसेस देख सकते हैं। फिगर्स को सिर्फ मेनली फिल किया जाता है लाइंस एंड डॉट्स से। तो ये इसकी स्टाइल है। अब बात करते हैं मधुबनी की। तो मधुबनी इज़ ऑल अबाउट फिलिंग द फिगर विथ लॉट्स ऑफ पैटर्न्स। मधुबनी को इसके जो फिगर्स हैं, ना ही सिर्फ फिगर्स बल्कि बैकग्राउंड को भी पूरी तरह से पैटर्न से फिल किया जाता है। तो मधुबनी में कभी भी कोई एम्प्टी स्पेस नहीं छोड़ी जाती है। ये सबसे मेन जो है गोंड में और मधुबनी में डिफरेंस है। मधुबनी पेंटिंग का बैकग्राउंड जो होता है वो किसी भी रंग का हो सकता है और इसमें भी वाइब्रेंट कलर्स ही यूज़ किए जाते हैं। बैकग्राउंड को कभी भी एम्प्टी नहीं छोड़ा जाता है, हमेशा उसमें पैटर्न्स फिल किए जाते हैं। मेनली फिश स्केल पैटर्न्स होते हैं या जो भी पैटर्न्स, जो हिना में पैटर्न्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ किए जाते हैं। इसमें जो आउटलाइंस होती हैं वो मोस्टली डबल होती हैं, तो ये भी एक डिफरेंस है। और दूसरा आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसा नहीं होता है कि एक ही फिगर से दूसरा फिगर फॉर्म हो जाए, ऐसा आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें आपको फिगर्स, एनिमल फिगर के साथ साथ गॉड गॉडेसेस, ट्रीज एंड प्लांट्स, ये सब भी देखने को मिलेंगे। ह्यूमन बीइंग्स, डे टू डे लाइफ का भी इसमें डिपिक्शन होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं गोंड और मधुबनी में। अब मैं आपको स्क्रीन पर कुछ दिखा देती हूँ गोंड पेंटिंग के एनिमल्स और कुछ मधुबनी पेंटिंग के एनिमल्स, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें। जैसे कि ये गोंड एलिफेंट और ये मधुबनी एलिफेंट है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। यहाँ आप देख सकते हैं गोंड पेंटिंग का जो मोर होता है वो किस तरह का होता है और मधुबनी पेंटिंग का मोर किस तरह का होता है। तो यहाँ ख़त्म होता है आज का वीडियो और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर हैं और अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं गोंड और मधुबनी को। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ट्यूटोरियल्स शेयर करती हूँ और आप उन्हें ट्राई करते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, आपको नई नई पेंटिंग्स के बारे में जानकारी मिलती है, आप भी खुश होते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप वो पिक्चर शेयर करते हैं, फिर आपकी कुछ क्वेरीज़ होती हैं वो आप मुझसे पूछते हैं। मुझे ये इस तरह का एंगेजमेंट बहुत अच्छा लगता है। तो आप बनाते रहिए पेंटिंग्स और शेयर करते रहिए। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी और ये है मेरा फेसबुक आईडी। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब मैं मिलूँगी आपसे अपने इंग्लिश चैनल पर। फ्राइडे को मोस्ट प्रोबेबली आप मेरा नया वीडियो देखेंगे मेरे इंग्लिश चैनल पर। सो स्टे ट्यून्ड। और तब तक के लिए विश यू ऑल लव लक एंड सनशाइन। बाय बाय।